विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकड़बाग में कार्यरत डॉक्टर बीपी सिंह ने कैंसर के लक्षण के बारे में बताया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि समाज में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे आएगी, कैंसर के लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है और इसके रोकथाम के क्या उचित उपाय हैं। देखिए, कल 4 फरवरी है और हम लोग विश्व कैंसर दिवस की तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये विश्व कैंसर दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पहले इसका ये कारण समझा जाए। अगर लोगों में जागरूकता लाना है तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ इस तरह के काम करने हैं जिससे कि लोग अवेयर हो, समझ में आए, उनको लगे कि हाँ इस बीमारी का क्या कारण है। तो जागरूकता कैसे आएगी लोगों में, आप कुछ प्रोग्राम करेंगे, हेल्थ कैंप्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, सिंपोजियम्स करेंगे, रैलीज करेंगे, तो लोग में जागरूकता आएगी जिससे कि आप समाज में ये मैसेज दे पाएंगे कि कैंसर के कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसमें होने की संभावना कितनी होती है, किन लोगों को होगा, कौन कौन से लोग रिस्क में हैं और इसका इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है, इसका रोकथाम क्या है। तो ये सब जो विषय है जागरूकता का, ये वर्ल्ड कैंसर डे के दिन लोगों में कोशिश की जाती है इम्पार्ट करने का। सर, एक चीज है, जी, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है कैंसर की, मतलब अभी तक ऐसा कुछ इसका देखा नहीं गया कि डॉक्टर्स ये बता सके कि ये कॉमन सिम्टम्स को पकड़ के आप जान लेंगे कि आपके कैंसर के लक्षण दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि कोई भी कैंसर एक जैसा बिहेव नहीं करता है, ऊपर से हेड से लेके टू तक जो होती है सारी ऑर्गन्स अलग हैं और सबके लक्षण अलग होंगे। मुंह के कैंसर का लक्षण होगा, मान लीजिए मुंह में धागा, लाल धब्बे, काले धब्बे या वाइट धब्बे आ गए, या कोई बड़ा ग्रोथ आ गया, कोई वहाँ पे मैंडिबल का हड्डी का डिस्ट्रक्शन हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया या सूजन आ गया, ये सब मुंह के कैंसर के लक्षण हैं। फेफड़े का कैंसर होगा, खांसी हो जाएगी, एक महीने तक ठीक नहीं हो रहा है, दम फूल रहा है, स्वर पेटी में आवाज़ में बदलाव आ जाएगा, श्वास में दिक्कत हो जाएगी, लंग आपका लिवर का कैंसर में पेट खराब हो जाएगा, अनपच होगी, उल्टी होगा, खून की उल्टी हो जाती है, कभी आँख के कैंसर में बाउल इरेगुलर हो जाएगा, कभी लूज मोशन होगा, कभी कंस्टिपेशन हो जाएगा, मलद्वार के कैंसर में खून आना शुरू कर जाता है या कई बार रुकआउट हो जाती है, पेट फूल जाता है, पेट के कैंसर में पेट फूल जाता है, गैस जैसा भरा रहता है, पेट में पानी भर जाता है, उल्टी होती है। तो हर कैंसर के लक्षण अलग हैं, आप एक सिम्टम्स को लेके ये नहीं बोल सकते हैं कि इस कैंसर का ये है तो सारे कैंसर में हो। सब कैंसर, स्तन कैंसर है उसमें कोई भी गांठ आएगा, छोटी सी गांठ होगी, दर्द नहीं होगा, कांख में गिल्टी होगी, निप्पल का से कुड़ना हो जाता है, निप्पल से रिसाव हो जाता है, आकार में बदलाव आ जाता है, साइज में बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये सब स्तन कैंसर के लक्षण हैं। बच्चेदानी का मुख्य कैंसर होता है तो उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, थाइज में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये सब लक्षण जो हैं सब कैंसर के अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप एक सूत्र में चाहेंगे बांधे सारे कैंसर के लक्षण, वो पॉसिबल नहीं है। तो यही सब जो भ्रांतियाँ हैं, जो समझ है, जो अवेयरनेस है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, लोगों तक पहुँचाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे का जो 4 फरवरी का डे फिक्स किया गया है ऑल ओवर विश्व में ये किया जा रहा है। और सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में भी हम लोग इसका विधिवत समझिए कि प्लानिंग कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ बुलेट जो मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा, उनके कंपनी के द्वारा एक रैली की जा रही है, जो रैली यहाँ पर समापन करेंगे, यहाँ के रक्तदान शिविर होगा, यहाँ पर हम लोग हेल्थ कैंप भी कर रहे हैं जो कैंसर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, बहुत सारे टेस्ट हम लोग फ्री कर रहे हैं, ओपीडी क्लिनिक सब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से लोगों में कोशिश करेंगे, उनमें समझ दें, समझाएं उनको, उनको एक नॉलेज दिया जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि कैंसर क्या है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, कैसे इसे बचाव किया जाता है, ये सारे तत्व जो हैं हम लोग कल लोगों में डिस्पेल करेंगे, सारा नॉलेज उनको भी देने की कोशिश करेंगे। और जो लोग आएंगे इस शिविर में शामिल होंगे उनको भी इन सबके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। सर, एक सबसे कॉमन इमरजेंसी जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर और माउथ कैंसर। माउथ कैंसर आपको पता होगा कि 14 से ज़्यादा करते हैं हमारे देश में, और गुड़ का पानी पीना,
देखिए ब्लड कैंसर बहुत कॉमन कैंसर नहीं माना जाता है। ब्लड कैंसर करीब करीब 5-10% ही कैंसर होते हैं, और इसमें क्या होता है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे देखे गए हैं, वंशागण जिसको बोलते हैं, या कई बार म्यूटेशन हो जाता है जो कि इडियोपैथिक, मतलब जिसका कि कारण नहीं मालूम होता है। लेकिन मुंह का कैंसर जो है वो तंबाकू जनित होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर कर जाता है। अपना वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित है, सॉइल प्रदूषित है, वाटर पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूटेड है, तो इसमें कैंसर होने की संभावना तो होती ही होती है। लेकिन जो लोग पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा हुक्का नशवार खैनी जो भी खा रहे हैं, जिस भी फॉर्म में खा रहे हैं, मसाला के फॉर्म में खा रहे हैं, जर्दा के फॉर्म में खा रहे हैं, उनमें ये संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरे दादाजी तो 100 साल तक गुटखा खाते रह गए, खैनी खाते, उनको कुछ नहीं हुआ, और मैं तो बस 2 ही साल खाया हूँ, मेरे को कैंसर हो गया। तो इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि सारे शरीर जो है एक जैसे नहीं होते हैं। आपका शरीर ज़्यादा बड़ा है, आपका शरीर ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरा शरीर हो सकता है कमज़ोर हो। तो जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, कई लोग एक पैग पी के लुढ़क जाते हैं, कई लोग 4-4 पैग में नहीं लुढ़कते। क्यों? आपकी क्षमता अलग है, उसकी क्षमता अलग है, तीसरे की क्षमता अलग है। बायोलॉजिकल बिहेवियर जो टिश्यू की होती है, हर इंसान की होती है, सबकी अलग होती है। तो एक तराजू में आप सबको नहीं तोल सकते, सबका बिहेवियर अलग है, सबका पैटर्न अलग है। क्या जागरूकता ही कंट्रोल हो सकते या सरकारी ऐसा जो भी कानून को सख्त करने की जरूरत है? देखिए जागरूकता ही बचाव है, इसे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार के बहुत सारे नियम हैं, जैसे तंबाकू के अगेंस्ट कोटपा एक कानून है, उसमें सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट एक्ट का एक कानून है, 2003 में इनएक्ट किया गया था और उस समय से चल रहा है। इसमें बहुत सारे उसके सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सेक्शंस हैं। उसमें माइनर व्यक्ति जो है वो गुटखा बेच नहीं सकता, खा नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। आपको जो शॉप्स होती हैं उसमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले में दिखाना है, कैंसर का फोटोग्राफ होना चाहिए। जितने भी आपके सिगरेट और बीड़ी सबके जो जितने भी पैकेट्स होते हैं उस पर कैंसर के पेशेंट को डिस्प्ले करना है। स्कूल कॉलेजों के 100 यार्ड के सराउंडिंग में आप कोई भी कैंसर का मतलब कि तत्व जो सिगरेट तंबाकू ये सब नहीं बेच सकते हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तरफ नहीं बेच सकते। तो ये सब कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे परेशानी है, क्योंकि अभी क्या है कि पुलिस के जिम्मे इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इन्फोर्समेंट जो है हमेशा हर जगह पूरे इंडिया में पुलिस करती है, पुलिस के पास इतना काम है कि क्या क्या करे। वो पहले दारू का पकड़े कि सिगरेट का पकड़े कि तंबाकू पकड़े कि क्या पकड़े। तो अभी पुलिस तो अपराध कंट्रोल कर ले उसी में बहुत बड़ी बात है, तो तंबाकू और ये शराब उसके जो एक और झोली में जो डाल दिया गया है उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इसका एक अलग से इन्फोर्समेंट पॉइंट होना चाहिए, इसका एक अलग जत्था होना चाहिए। तंबाकू धावा दल जो इसको बोलते हैं, वो धावा दल जाए मूव करे, और तंबाकू धावा दल भी सरकार का बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हम लोग पीछे पड़ जाते हैं और सारी प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली बंद तो होना ही चाहिए। कुछ कुछ इसके मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, निकोटिन्स वगैरह के लिए जो हम लोग नार्कोटिक्स यूज़ करते हैं उसके ड्रग्स बनते हैं जो कि पेन के लिए कंट्रोल किया जाता है। उस तरह से और भी एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है, लेकिन 99% में इसका कोई अच्छा यूज़ नहीं है और इट शुड बी बैंड। जैसे अल्कोहल बैन किया गया है उसी तरह से तंबाकू को भी बैन होना चाहिए।